अध्यक्ष आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। आप सभी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को स्वीकारते हुए आज पार्टी को ज्वाइन किए। आप सबके ज्वाइनिंग करने से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश और मजबूत हुई है। 2023 में ये पार्टी विजय होगी, 2024 में भी सभी मोदी जी को झोले में डालेगी। हमारी मैया राजस्थान में डूब चुकी है और 2023 में है राजस्थान में कमल खिलने वाला है। तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए मेरे पार्टी परिवार में प्रवेश करने वाले सभी बंधुओं का, वरिष्ठ नेताओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम सब लोग इस 2023 में राजस्थान में कमल खिलाना है और 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, इसके लिए हम सब लोगों ने मेहनत करनी है। हमारा जिनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता है, एक बार जोरदार ताली बजाकर इस विशाल परिवार में इस पार्टी परिवार का कार्यकर्ता होने के नाते मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, संख्या में लोग आए हैं और आज जो शख्सियत आई है आदरणीय मोदी सिंह जी पार्टी हमारे बीकानेर डिवीजन में सशक्त हस्ताक्षर है प्रतिपक्ष की राजनीति के, और शिक्षा के क्षेत्र में सीएलसी का नाम हम सब जानते हैं, और शरवण जी, भागचंद जी और डॉक्टर रणवा जिनका स्वागत है। और मैं तो ये कहूंगा कांग्रेस का ना तो कल्चर बचा है ना कांग्रेस के पास वर्कर बचा है। कांग्रेस विज्ञापन की पार्टी बन के रह गई है, डिजाइन बॉक्स के विज्ञापनों से कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस का जाना तय है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मान लिया राजस्थान में कांग्रेस के दिल लग गए हैं। इसलिए हम सब लोग जो आज इस मुहिम में जुटे हैं इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को विदा देने के लिए, वोट की चोट से इस सरकार को समाप्त करने के लिए हम सब लोग लगेंगे। आज हमारे उस मुहिम के अंदर हमारे चार साथी और जुड़े, सबका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन।